बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वला अलिका वसहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या नूरल्लाह वला अलिका वसहाबिका या सैयदी या रहमतल्लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद पाक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशत रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तो निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, क्या तुम मुहब्ब बनना चाहते हो या महबूब? असर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह गहरी सोच में पड़ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह हर बात अपनी माँ से पूछने के बाद बताया करते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया, मैं अपनी वालदा से पूछकर बताऊँगा। चुनाचा धरती तरफ तेज़ी से चल पड़े। रस्ते में देखा कि एक दुकान के करीब एक मजसूब बैठा है, फटे हुए कपड़े, दर्द आलूद बाल, बहुत बुरी हालत, और वह मजसूब पूछता है, ए निज़ामुद्दीन, आज इतनी तेज़ी में कहाँ जा रहे हो? आप फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने मुझे आज पूछा है, महबूब बनना चाहोगे या महबूब? तो बस मैं अपनी वालदा से पूछने जा रहा हूँ। तो मजसूब कहने लगा, ये तो मैं बताऊँगा। आपने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी वालदा से ही पूछूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह घर और अपनी वालदा से यही सवाल किया कि मेरे मुर्शिद ने मुझे आज पूछा है, महबूब बनना चाहोगे या महबूब? घर पहुँच कर तो माँ ने फरमाया थे, कल सुबह जवाब दूँगी। अगली सुबह आप अपनी वालदा ने फरमाया कि घर के बाहर एक मजसूब है, उनसे जाकर पूछो, वो जवाब देंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान के पास पहुँचे, जिसके बाहर मजसूब बैठे थे। तो देखा कि वो वहाँ नहीं है। दुकानदार से पूछा कि वो कहाँ गए, तो उसने कहा कि वो तो कल इंतकाल कर गए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कैसे इंतकाल कर सकते हैं, अभी तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। फिर पूछा कि इनको कहाँ दफनाया है? दुकानदार ने बताया कि इतनी बुरी हालत थी, इंसान को किसने दफनाना था, पाँव से दसीत के इलाके से बाहर फेंक आए हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ढूंढते ढूंढते पहुँच गए और देखते हैं कि मजसूब तो कीचड़ में फेंका हुआ है। फिर मजसूब तो आवाज़ देकर पूछने लगे थे, आप मुझे जवाब देने से पहले कैसे दुनिया से रुखसत हो सकते हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। वो मजसूब उस वक्त ही जिंदा हो गए और उतर बैठे। मजसूब फरमाने लगे थे, मुझे देखो, मैं महबूब बना था, हमेशा दर बदर, बाल बिखरे और कपड़े फटे रहे। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, तुम महबूब बन जाओ, नाज नखरे उठाए जाएंगे, फूलों पर रखा जाएगा। ये कहने के बाद वो फिर दुनिया से चले गए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद पाक बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशत रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और अर्ज़ की कि महबूब बनना चाहता हूँ, हुज़ूर मुझ में महबूब बनने की ताकत नहीं है, इसलिए महबूब बनना चाहता हूँ। पीर मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशत रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने महबूबीन में शामिल किया और महबूब इलाही तल्लत अता फरमाया। मेरे दिल से दुआ अल्लाह अपने प्यारे रसूल प्यारे हबीब हुज़ूर सरकार रहमतुल्लिल आलमीन व खातमिन नबिय्यीन हुज़ूर सरकार हम पर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम फरमाया। ताशरे खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।